नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं, क्या एक ही ज़मीन पर टाइटल सूट एवं म्यूटेशन अपील का केस साथ साथ चल सकता है या नहीं, या यह कहां तक उचित या जायज है। दोस्तों, एक ही ज़मीन पर दो भिन्न भिन्न न्यायालय में मुकदमा करना उचित नहीं है, या यूं कहा जाए कि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि जिस ज़मीन पर आप टाइटल सूट का मुकदमा लड़ रहे हैं और वहीं आप दूसरे रेवेन्यू कोर्ट में मोटेशन अपील या मोटेशन रेस्टोरेशन का केस आप करते हैं, तो यह आपके लिए लाभदायक नहीं होता है, बल्कि इससे आपकी आर्थिक क्षति हो सकती है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने में आ रही है कि आपके जो पैरविकार हैं वह आपसे एक ही ज़मीन पर एक ही समय में दो तरह का मुकदमा करा दे रहे हैं, और इस तरह जो आपके पैरविकार द्वारा की गई कार्रवाई है यह उनके अपने मंसूबे सिद्ध होते हैं। इसमें पैरविकार गलत ढंग से पैसा कमाने के उद्देश्य से ही ऐसा करवाता है, बल्कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जहां सक्षम न्यायालय में आपका टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है, वहां रेवेन्यू कोर्ट में मोटेशन अपील का केस करना उचित नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है। इसलिए भी यह जायज नहीं है कि रेवेन्यू कोर्ट से अगर आप सिविल कोर्ट का कंपेयर करेंगे तो वह एक सक्षम न्यायालय है। यदि आप उभय पक्ष में से कोई भी पक्षकार टाइटल सूट पहले से चल रहा है और उसकी जगह आप रेवेन्यू कोर्ट का सहारा लेते हैं, टाइटल सूट का आपने मुकदमा किया है, वहां आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वह अपीयर हो गए हैं और आप साथ ही उसे मोटेशन अपील या मोटेशन रेस्टोरेशन के केस में नोटिस करके बुलाते हैं, तो निश्चित है कि उनके जो अधिवक्ता अपीयर होते हैं वह जवाब के साथ साथ लिखित रूप से उस न्यायालय में दे देंगे कि इस ज़मीन पर पहले से सक्षम न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित है कि वह तब तक के लिए आपका केस पेंडिंग पड़ जाएगा जब तक कि सिविल कोर्ट में उस वाद का अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, अर्थात जजमेंट नहीं हो जाता है, और इस तरह से आपका केस पेंडिंग हो जाता है और आप जो मुकदमा किए होते हैं रेवेन्यू कोर्ट में तो उससे आपकी आर्थिक क्षति होती है, आपके लिए वह लाभदायक नहीं होता है। आगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस ज़मीन पर आप टाइटल सूट का मुकदमा किए हुए हैं उस ज़मीन पर मोटेशन अपील का केस कदापि न करें, इससे आपको आर्थिक क्षति होगी, इससे लाभ आपको कम मिलेगा। किसी पैरविकार के बहकावे में आकर ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि वह एक सक्षम न्यायालय है। रेवेन्यू कोर्ट से अगर उसका कंपेयर आप करते हैं तो उसके सामने वह एक बड़ी न्यायालय है और दीवानी मुकदमे का एक स्पेशल कोर्ट होता है, इसलिए कोई भी रेवेन्यू कोर्ट वह सिविल कोर्ट का इंतज़ार तब तक करेगा जब तक वहां पर जजमेंट नहीं हो जाता है और आपका केस पेंडिंग हो जाता है, अर्थात यह किसी भी कीमत पर साथ साथ चलाना उचित नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह के वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।